गुड इवनिंग गाइस, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल IAS दाऊद नगर। गाइस, आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट द बेस फॉर लिविंग का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ और आप इसको ज़रूर देखें। और अगर आप इसको देख लेते हैं तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो आप 100% इसका रिजल्ट करोगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है गाइस। इन द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग द ऑथर डॉट डॉट रैपिड मोमेंट। तो हमारा जो ऑथर है वो रैपिड मोमेंट को क्या करता है। पेस फॉर लिविंग जो कहानी है इसमें हमारा जो ऑथर है, राइटर है, वो क्या करता है, लाइक्स करता है, डिसलाइक करता है, हेट करता है या फिर इंजॉय करता है। तो आप गाइस हमारा देख रहे हैं क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो क्या होगा। हमारा जो क्वेश्चन का ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट क्या करेगा, ये लाइक्स करता है, क्या करता है, लाइक्स करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लाइक्स हो जाएगा। इज इट क्लियर। फर्स्ट का हमारे क्या हो जाएगा, लाइक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, इन द स्टोरी द बेस फॉर लिविंग हु वाज द मेन कैरेक्टर इन द प्ले। मेन कैरेक्टर इस प्ले में कौन है, इस प्ले में जो हमारा मेन कैरेक्टर कौन है आप मुझे बताएंगे। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, वो है हमारा कौन, कॉर्न मर्चेंट है या फिर द राइटर हिमसेल्फ है या फिर पोएट है या फिर इंजीनियर है। तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट जो हो जाएगा मेन कैरेक्टर क्या हो जाएगा आप बताएंगे। जो मेन कैरेक्टर है वो हमारा क्या होगा, यह राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। यानी हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, कॉर्न मर्चेंट है। नाउ नेक्स्ट चीज पर हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग वेयर डिड द ऑथर सी अ प्ले। जो द बेस फॉर लिविंग है इसमें हमारा जो ऑथर है वो प्ले कहाँ देखने जाता है। तो प्ले गाइज कहाँ देखने जाता है बताएंगे, प्ले जो है हमारा वो देखने जाता है कहाँ पे। तो हमारा जो प्ले देखने जाता है लंदन, न्यू दिल्ली, पेरिस या डब्लिन। तो हम जो पढ़े थे उस स्टोरी में हम लोगों ने देखा था कि जो राइटर वो कहाँ जाता है देखने, डब्लिन में जाता है। कहाँ पर जाता है, डब्लिन में जाता है प्ले देखने। तो इस तरह से हमारा आंसर क्लियर हुआ। नाउ फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। चलिए हमारा क्वेश्चन फोर इस तरह से, इन द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग, इन द स्टोरी द पेस फॉर लिविंग द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले वाज अ मैन ऑफ मेनी। तो जो हमारा चीफ कैरेक्टर जो था इस प्ले में वो बहुत सारे चीज़ों से क्या सफ़र कर रहा था। वो क्या था, उसके पास एनजाइटीज़ थी, टैलेंट्स था, स्किल था, ज्वाय था, क्या था बताएंगे आप मुझे, उसके पास क्या था। चलिए हाँ, तो उसके पास हमारा जो राइट ऑप्शन है गाइस वो क्या है, टैलेंट्स, स्किल, ज्वाय या फिर एनजाइटी। तो राइट ऑप्शन हमारा बनता है एनजाइटी। राइट ऑप्शन क्या बनता है, एनजाइटी बनता है। तो राइट ऑप्शन इज़ व्हाट, एनजाइटी। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ब्लैंक्स ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर द कॉर्ड मर्चेंट। कॉर्ड मर्चेंट के लिए जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा क्या हो गया गाइस, चलिए देखते हैं बहुत ज़्यादा क्या हो गया। बहुत ज़्यादा हो गया था कॉर्ड मर्चेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन है एनजाइटीज, बेस, हैप्पीनेस, प्लीजर। प्लीजर तो नहीं हुआ था, हैप्पीनेस भी नहीं हुआ था, एनजाइटी तो अदर चीज़ है। यहाँ पर द पेस ऑफ लाइफ मतलब जिंदगी जीने का जो क्या था, पेस था, रफ्तार था, वो बहुत ज़्यादा हो गया था उसके लिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, बी होगा। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए तो फिर हमारा जो बी है वो क्या है, राइट ऑप्शन हो गया। नाउ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट आर इंटेलिजेंस टेस्ट डिजाइंड टू टेस्ट। ऑथर के अकॉर्डिंग जो टेस्ट डिजाइन किया गया था, किस चीज़ का टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, वो किस तरह का टेस्ट था।
फिजिकल स्पीड, मेंटल स्पीड, बोथ ए एंड बी, या फिर कैरेक्टर। तो हम चलते हैं देखते हैं हमारा जो हमारा ऑथर के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया था वो लेबल, वो टेस्ट, वो हमारा क्या था? वो हमारा था द मेंटल स्पीड, द मेंटल स्पीड। द राइट आंसर इज़ व्हाट? द मेंटल स्पीड। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सिचुएशन लाइक व्हेन द राइटर गोज़ टू सिनेमा। जब वो सिनेमा देखने गया था तो उस समय उसका क्या सिचुएशन था? चलिए देखते हैं, इस पे विचार करते हैं। क्या प्लेजेंट सिचुएशन था, हैप्पी सिचुएशन था, या सेटिस्फैक्ट्री था, या फिर होपलेस था? इसमें से उसके पास कौन सा सिचुएशन थी? चलिए गाइस हम लोग देखेंगे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर है हमारा क्या। राइट आंसर है वो उस समय प्लेजेंट नहीं था, ना तो हैप्पी था और ना सेटिस्फाइड था, वो था होपलेस था। एनी राइट ऑप्शन इज व्हाट? होपलेस। होपलेस इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू हुम डज द ऑथर टर्न फॉर इनलाइटमेंट। जो हमारा ऑथर है इनलाइटमेंट के लिए किसके तरफ क्या करता है? मुड़ जाता है। यहाँ देख ध्यान देना, यहाँ पर गाइज ये जो वर्ड है टर्न, यहाँ साथ में लिखा गया टर्न टू, अलग अलग होगा, सेपरेट होगा। नाउ राइट ऑप्शन क्या होगा? हिज सिस्टर, हिज वाइफ, हिज मदर, हिज फ्रेंड। तो वहाँ पर ना तो कोई उसका दोस्त था, ना तो कोई मदर थी, और ना ही कोई सिस्टर थी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाता है गाइस क्या? उसका राइट ऑप्शन हो जाता बी। बी इज़ द राइट ऑप्शन, यानी हम यहाँ पर बोलेंगे क्या? हीज़ वाइफ, हीज़ वाइफ इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज अ थिंकर। जो राइटर है वो अपने आप को किस तरह का थिंकर डिस्क्राइब करता है? तो फास्ट, रेकलेस, माइंडलेस, स्लो थिंकर। तो यहाँ पर जो राइटर है ना, उन्होंने क्या अपने आप को बताया? उन्होंने बताया कि वो क्या है? एक स्लो थिंकर है। वो क्या है? स्लो थिंकर है। तो राइट ऑप्शन इज व्हाट? स्लो थिंकर। स्लो थिंकर इज द राइट ऑप्शन। सो नाउ गाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, रैपिड मूवमेंट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ। रैपिड मोमेंट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ। तो हमारा जो 10th का आंसर हो जाएगा गाइज वो क्या हो जाएगा? ये हमारा जो ड्रामा है ना, वो ड्रामा ही क्या करता है? बताता है रैपिड मूवमेंट। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो गाइज हो जाएगा क्या? ट्रेबल तो होगा नहीं, सिक्योरिटी भी नहीं होगा, होप भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन इज़ व्हाट? ड्रामा। राइट ऑप्शन इज़ व्हाट? ड्रामा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11th क्वेश्चन नंबर। अकॉर्डिंग टू द राइटर द एयर ट्रेवल डॉट डॉट द रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल। तो कहता है कि जो एयर ट्रेवल है वो हमारा रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल है। तो एयर ट्रेवल हमारा रियल प्लेजर ऑफ ट्रेवल है, तो क्या इंक्लूड करता है, एक्सक्लूड करता है, एक्सपोज करता है, या फिर गिव्स करता है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11th का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या करता है? एक्सक्लूड करता है। एक्सक्लूड करता है, क्या करता है? एक्सक्लूड करता है। तो राइट ऑप्शन इज व्हाट? एक्सक्लूडिंग है ना, एक्सक्लूड्स। इज इट क्लियर? आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 12, मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड टू फॉलो द पेश ऑफ। पेश ऑफ व्हाट? तो मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड टू फॉलो द पेश ऑफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा वो गाइस हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन इज़ व्हाट? ए हो जाएगा, मशीन। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा है 13, स्लो थिंकर्स आर हैंडीकेप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ। जो स्लो थिंकर है वो हैंडीकेप्ड समझे जाते हैं
किस चीज़ का बिजनेस में? कार, लिविंग, मील, हाउस। व 13 नंबर का जो हम देखेंगे तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइस, राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? लिविंग। लिविंग इज़ द राइट ऑप्शन, लिविंग इज़ द राइट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज लिविंग। नाउ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। नाउ द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ होपलेस डॉट डॉट व्हेन ही गोज टू वॉच द सिनेमा। तो और जो ऑथर है वो किस सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं? तो सिचुएशन में पाते होपलेस सिचुएशन में, होपलेस फॉग में, मिस्ट में, रेन में। तो हमने बुक में पढ़ा था कि वो होपलेस फॉग में पाते हैं। किस फॉग, किस में पाते हैं? होपलेस फॉग। तो राइट ऑप्शन अगेन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी इज़ द राइट ऑप्शन, बी इज़ द राइट ऑप्शन। इज इट क्लियर? बी इज़ द राइट ऑप्शन, हमारा बी सही ऑप्शन है। यानी फॉग हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इसका हो जाएगा फॉग। ओके नाउ अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। पीपल नाउ अ डेज थिंक देन पीपल डिड 30 ईयर्स अगो। तो हमारा जो 15 नंबर का क्वेश्चन है वो हमारा हो जाएगा क्या? आज के जो लोग हैं वो पहले के लोग, जो आज से 30 साल के पहले के लोग थे उसके अपेक्षा सोचते हैं क्या? फास्टर सोचते हैं। आज के लोग थोड़ा ज़्यादा ही सोच लेते हैं, इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा गाइज वो क्या होगा? वो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फास्टर। फास्टर इज़ द राइट ऑप्शन, फास्टर इज़ द राइट ऑप्शन। इज इट क्लियर? फास्टर हमारा जो है वो क्या होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है? हाँ गाइज, यहाँ पर आपका YouTube चैनल IAS दाउदनगर पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि जो अदर आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको हेल्प मिल सके। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी चैनल का नाम IAS दाउदनगर है, उस पर भी आप जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर जो भी वीडियोज़ वगैरह है उसका अपडेट आपको मिल सके। ऐसे यूट्यूब पर कब आते नहीं आते, इसका अपडेट वहाँ पर मिलते रहेगा। और इसके लिए आपने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है, तो मैं आपको तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।